हाल है भैया? दोस्तों मेरा नाम ठीक हो गए बेटे? आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे। आज फिर से मैं आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। शुरू एक पेड़ पर 59 पक्षी बैठे हुए थे। इनमें से 28 पक्षियों ने उड़ने का फैसला किया, तो बताओ अब पेड़ पर कितने पक्षी बचे? जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। क्या आपने जवाब सोच लिया है? तो आइए देखते हैं कि इसका जवाब क्या है। उत्तर है 59 पक्षी, क्योंकि 28 पक्षियों ने सिर्फ फैसला किया था पर उड़े नहीं थे। बेटे वाह बेटे, मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। एक पेड़ पर 100 चिड़िया बैठी थी। एक शिकारी ने बंदूक से एक चिड़िया को मार डाला, तो बताओ पेड़ पर कितनी चिड़िया बचेंगी? जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। क्या आपने जवाब सोच लिया है? तो आइए देखते हैं कि इसका जवाब क्या है। उत्तर है 0, क्योंकि गोली की आवाज सुनकर सभी चिड़िया उड़ जाएंगी। एक शिकारी एक गोली से 10 सांप मार सकता है। अगर पेड़ पर 100 सांप बैठे हैं, शिकारी ने एक गोली चलाई और 10 सांप मर कर गिर गए, तो बताइए पेड़ पर कितने सांप बचेंगे? जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। क्या आपने जवाब सोच लिया है? तो आइए देखते हैं कि इसका जवाब क्या है। उत्तर है 90 सांप बचेंगे, क्योंकि सांपों को गोली की आवाज नहीं सुनाई देती, क्योंकि सांप के कान नहीं होते हैं। Why are you running? एक कुएं में 50 मेंढक रहते थे। 12 मेंढक मर गए, तो बताओ कुएं में कितने मेंढक बचे? जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। क्या आपने जवाब सोच लिया है? तो आइए देखते हैं कि इसका जवाब क्या है। उत्तर है 50 मेंढक, क्योंकि मरे हुए मेंढक भी कुएं में ही रहेंगे। एक पेड़ पर 12 गिलहरी बैठी हुई थी। शिकारी ने तीर चलाया और एक गिलहरी को मार गिराया, तो बताओ अब पेड़ पर कितनी गिलहरियां बची? जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। उत्तर है 11 गिलहरी, क्योंकि तीर की आवाज नहीं होती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया भाई। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।